7, 6, 5, 4, 3, 2. सीन हमारे साथ था ही ऐसा, मतलब इंग्लिश विंग्लिश का भी सीन था थोड़ा सा तो था, क्योंकि यार हम ज़्यादा इंग्लिश लिख के आते थे, टीचर नंबर काट लेते थे हमारे। अरे ये वर्ड तो मन ने बिना पढ़ा आज तक, अरे सतवीर तन पढ़ा है के वो सर, कौन सा वर्ड? अरे वो फेमिनिज्म सा दिखे कुछ ना सर, मैंने तो ना देखा, क्या करें, नंबर काट लें। यार मेरे घर में ही दिक्कत है यार, मेरे पापा खुद डबल एम इंग्लिश है, डबल एम ए, मगर वर्ड्स की जो माँ बहन करते हैं ना, वो मतलब लिटरली ब्रेड पे जाम लगाना होगा, करो जाम ले आओ, सास ले आओ, मतलब उनको देख के लगता है कि एम ए कर लो जी, डबल एम ए, हरियाणा से करी तो यही होना तुम्हारा। तो ये सिर्फ मेरे पापा का सीन नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। फॉर एग्जाम्पल टमाटर, टमाटर की इंग्लिश टमेटो, यूएस में बोल रहे हैं टमेटो, यूके में बोल रहे हैं टमेटो, टमाटो, इंडिया में बोल रहे हैं बैंचो, इतना महंगा है कौन खरीदेगा। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी थी, मैंने भी यार गुड़गांव आया तो मैंने भी सोचा कि यार चलो सीखते हैं इंग्लिश, तो मैंने भी वही करा जो नॉर्मली सब करते हैं, जैसे इन तीनों ने किया था। मैंने भी टिंडर ज्वाइन कर लिया, और टिंडर का सीन यार थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा तो है, मतलब हमारे साथ है, हमारे लौंडों को कुछ नहीं पता टिंडर के बारे में, कुछ भी लिख रहे हैं, बायो में लिख दिया हरियाणवी बॉय, उसे खाप पंचायत का मैच आ गया। हाँ खाप पंचायत मेंबर हो गया उसके। अभी काटूंगा बाहर, चलो। एक ने स्कॉर्पियो के साथ फोटो लगा रखी थी, उसे हरियाणा पुलिस का मैच आ गया, साथ में मैसेज भी आ गया, लेट्स कैच अप रिगार्ड्स SHO, कह रहा आई एम नॉट हेयर फॉर हुकअप्स। एक को लड़की का मैच आया तो लड़की से पूछती व्हाई आर यू ऑन टिंडर, उसने लिख के भेज दिया, कह रहा नवरात्र में कंजक बिठा ली। नवरात्र में कंजक बिठा ली, कंजक कंजक। तो टिंडर में अच्छे अच्छे वर्ड्स पता लगते हैं। एक तो लड़कियां इतनी इंग्लिश लिख देंगे पढ़ के जुलाबे थरूर हो जाए तुम्हें। मतलब जैसे कल ही मुझे पता लगा शिवलरी, शिवलरी, शिवलरी पता है किसको? पता है, मैं बताता हूँ। देखो शिवलरी मतलब लेडीज के साथ होता है वो, नहीं मतलब तो शिवलरी में क्या करना होता है, बस दरवाजा खोलना होता है। हाँ मतलब होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, ऐसे कि लड़की जा रही दरवाजा, सब जगह होना चाहिए ना, नहीं क्योंकि तुम दरवाजा खोलो अंदर से आवाज आए आराम जाते टट्टी तो कर लें दे, सब जगह शिवलरी दिखाने तुम्हें। ऐसा नहीं है, मतलब मैंने भी कोशिश करी थी कि सीखूं मैं, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तो गुड़गांव में ऑब्वियसली क्या आएगा, कह रहे जाट इंग्लिश स्पीकिंग। मैं कहा डूड दैट्स एन ऑक्सीमोरॉन, ओह इंग्लिश हो गई ज्यादा। हाँ मतलब उसमें लिखा हुआ है कि एक हफ्ते में अंग्रेजी बोलना सीखे, एक हफ्ते में वही सीखोगे, ए वांट टू फ्रेंड्स विद मी, नाइस पिक डियर, डियर। तो मैं गया, मतलब मैंने सीखने की कोशिश करी, तो मैं गया, रूल्स बना रखे हैं यार अपने अपने, कह रहे सर आपने अगर हिंदी बोली तो फाइन लग जाएगा, मगर ठीक है मैं हरियाणवी बोल लूँ। कह रहे नहीं सर हिंदी बोली तो फाइन,
मैं क्या ठीक है भाई, मैं क्या क्या करना फिर, क्या कितना फाइन है, कह रहा 5 रुपये फाइन है। मैं क्या इधर पकड़, 500 रुपये पूरा दिन बोलूँगा।